When you see me, you better run! सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली RC 200 वर्सेस R15 V3। तो ये बाइक शिवम की है, डियाब्लो इसकी नाम है। तो चलो चलते हैं और करते हैं एक स्ट्रीट टेस्ट काफ़ी दिन के बाद RC वर्सेस V3। सो लेट्स डू इट। माय गॉड, रोड टूटे हुए थे यार। आई गेस द बाइक में इंजन ऑयल कम है क्योंकि बाइक हो रही है ओवर हीट। और ये नॉन एबीएस है तो थोड़ा ब्रेकिंग पहले ही लेना पड़ता है और बहुत संभल के। V3 come first. ये गलत है यार। फिर से V3 हो गई पीछे, आने देते उसे। तो ये आ गया अपना भाई।
और बहुत ज़्यादा ही क्लोज था ये। ऑटो से बच के भाई, ऑटो वाले का कुछ नहीं पता होता कब कहाँ टर्न कर जाए। तो अगर आप लोग नॉर्मली भी बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो गाइस, प्लीज़ ऑटो से बच के, आई रिक्वेस्ट यार। ऑटो वाले एक तो पहले थ्री व्हीलर्स होता है, उन्हें हैंडल घुमाने में टाइम लगता है नहीं, और सीधा हैंडल घुमा देते हैं और फिर दिक्कत हो जाता है हम जैसे लोगों को। कितना भी आप ब्रेक मार लोगे, अगर आप 50-60 पे भी रहोगे ना तो बाइक नहीं रुकने वाली। जितना कोई उनका हैंडल घूमता है उतना कोई अपनी बाइक नहीं रुक सकती, यू गाइस नो दैट। तो बस यहीं से ले लेंगे यू टर्न। ये आ गया V3। ब्रेकर दिया वही, मैं सोचू मतलब खाली रोड में ब्रेक क्यों ले रहा बंदा। बाइक पे डिपेंड नहीं करता है, राइडर मैटर करता है। पहले भी आपको सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ, बहुत लोग पूछ रहे हो कि भाई V3 का टॉप एंड अच्छा है तो फिर टॉप एंड में RC क्यों निकल रही। देखो अभी प्रॉपर टॉप एंड हो नहीं रहा, बाइक 100-120 चल रही होगी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, तो उतने में तो भाई RC आगे रहेगी। और जहाँ पर बात है ट्रैफिक फिल्ट्रेशन का, तो उसमें आप सब जानते हो वहाँ पे स्किल मैटर करता है और कुछ नहीं। सो गाइस, तो आज की वीडियो का बस इतना ही रहने देते हैं। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल पे। एंड जो भी नए गाइस, फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में। एंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ।